मधु मैम ने आई थिंक 5 ईयर्स हो गए इनके बेटे को रिकवरी में. अपने बच्चे को लेकर आई थी, मल्टीपल एडिक्शन था. दे बिलोंग टू मस्कट, मस्कट से इंडिया आए थे, काफ़ी सारी जगह पे. आई थिंक यू गॉट द ट्रीटमेंट डन राइट. तो उसके बाद फाइनली दे रीच्ड हियर. और मतलब डे वन से लेकर आज का दिन है, द होल फैमिली इज इन टू द प्रोग्राम. सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. आई थिंक इनकी जर्नी से आप सीख लोगे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और कैसे हाउ टुडे द सन इज़ यू नो शूटिंग फॉर सम सीरियल इन यूके. जो जो बच्चा अब यूके ऑल द वे यू नो ही इज़ देयर इन लंदन शूटिंग. और एक टाइम था कि उसको अलाउ नहीं था कि ये सड़क पार करके सामने जिम है वहाँ पर जा सके. सो लेट्स हियर फ्रॉम हर ओनली. सत श्री अकाल जी. जो मैं इतने आके बैठी तो मैं पहली चीज़ पढ़ी सी एक्सेप्ट देन एक्ट, है ना. एंड आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम वेयर योर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स. 99.9% ऑफ द फैमिलीज तो कभी मनदिया ही नहीं है कि साडे पेशेंट नू बीमारी है या कोई ऐसी भी चीज़ है जिदे लिए इंटरवेंशन चाहिए है. तो जब तक तुसी वो 5 letter वर्ड नू 6 letter आई एम सॉरी जब तक तुसी एक्सेप्ट नहीं करोगे तोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होएगा. क्योंकि जे तुसी शुरू कर भी लोगे तो तुसी उनू विच छड़ दोगे. सो देयरफॉर जब तक तुसी एक्सेप्ट नहीं करदे तब तक मैनू लगता है कि तुहानू किसी नाल गल करदे रहना चाहिए है, किसी की किसी जर्नी देखनी चाहिए है. डॉक्टर, काउंसलर्स, होर पेशेंट्स की फैमिलीज, वीडियोज़ देखो, जो भी करो, लिटरेचर पढ़ो. पर एक्सेप्टेंस स्टेज पर जो तुम हॉस्पिटल रेंदे रेंदे एक्सेप्टेंस स्टेज पर आ गए तो तुहाडा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, ता ही तुसी एक्शन लोगे. असी तो मेरी 5 साल की जर्नी च मैं बहुत लोग एक्सेप्टेंस तो बाद भी छड़दे देखे है. बट जे तुसी एक्सेप्ट नहीं कीता तो तुहाडी तुहाडा ट्रीटमेंट शुरू नहीं होएगा. तुसी मधु मैम यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करूँगी कि मैं रोज़ फैमिलीज के साथ बैठती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि देखो हमें एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, हमें मानना चाहिए. तो फैमिली का हमेशा एक सेंटेंस पेट सेंटेंस होता है, मानते हैं तभी तो आए हैं, मानते हैं तभी तो आए हैं, मानते हैं तभी तो हॉस्पिटल आए हैं. आपको क्या लगता है, मानते नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? मुझे लगता है जानते हैं पर मानते नहीं हैं. जानते हैं कि हमारा पेशेंट के रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, जानता है कि हमारे पेशेंट की हेल्थ ख़राब हो रही है, जानते हैं कि हमारे पेशेंट का काम ख़राब हो रहा है, चाहे वो वेदर द पेशेंट इज़ वर्किंग और स्टडिंग, उसमें उसमें कहीं कुछ नहीं हो रहा होता आगे. तो आपको इन्फॉर्मेशन होती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि किस हद तक की वो बीमारी है. इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं है. जान इन्फॉर्मेशन है कि कुछ कुछ तो सही नहीं है, लेकिन इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको जिसके लिए मुझे यहाँ इलाज कराना पड़े. सो हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं. ये कैसे पता चले कि हम एक्सेप्टेंस में हैं? हाँ, ये मतलब अगर खुद को जे पहचानना हो, हर को लगता है कि मैं एक्सेप्टेंस में हूँ. एंड एक्सेप्टेंस को ऐसी चीज़ भी नहीं है कि एक बार आ गई और आ गई. आप जैसे बोल रहे हो ना, आती जाती रहती है. हाँ, आती तो जाती. हर एक इंसान को पहले दिन से ही लगता है मैं एक्सेप्टेंस में हूँ, ठीक है. और पता नहीं कैसे पता चले कि मेरे को एक्सेप्टेंस रियल आई है कि ये वैसे ही. व्हाट इज इट? कपल ऑफ थिंग्स लाइक जसबीर सर ऑलवेज सेज फेक इट टू मेक इट, ठीक है. तो हो सकता है आप में से कोई करते हो. मैंने तो फेक इट टू मेक इट नहीं किया. मेरे लिए तो शायद मैं अपनी वो जर्नी डाउट वाली पूरी करके यहाँ आई थी. या अगेन मुझे लगता है मुझे एक्सेप्टेंस थी, आई डोंट नो. मुझे मालूम था कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है और मुझे ये भी मैं सीख कर रही थी कि मुझे ये मेरे एक्सपीरियंस से मुझे कहीं डॉक्टर मिलता था तो थेरेपिस्ट नहीं मिलता था, थेरेपिस्ट मिलता था तो डॉक्टर नहीं मिलता था. कोई अनी को पसंद होता था, मैं लॉस्ट थी. मुझे पसंद होता था, अनी को एक्सेप्टेड नहीं था. तो मुझे ये पता था, इतना मुझे अपनी जर्नी से पता चल गया था
अगर आप उस मोड पर हैं, अगर आपकी जर्नी से आपको ये पता चल गया है कि मुझे एक टीम वर्क वाला ट्रीटमेंट चाहिए, तब आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि आपका बच्चा बीमार है। तो फर्स्ट थिंग जो मेरी एक्सेप्टेंस में काम आई थी कि मुझे ये मालूम था कि ट्रीटमेंट स्टैंड अलोन नहीं होगा। स्टैंड अलोन मतलब खाली डॉक्टर, खाली थेरेपिस्ट नहीं, या खाली अनिरुद्ध और मैं कहीं नहीं। मुझे पता था अनिरुद्ध, मैं, थेरेपिस्ट, डॉक्टर, सबकी टीम चाहिए होगी उसको ट्रीट करने में। तो वो मेरा दूसरा एक्सेप्टेंस तब होता है जब आप एक जगह पे आते हो और आपको एक वाइब आती है कि मैं, मुझे ये वाइब आई थी, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने को आई कितनों को नहीं, लेकिन जिनका ट्रीटमेंट यहाँ हुआ है आई एम श्योर दे कैन रिलेट टू इट, कि जब मैं यहाँ पहुंची थी तो मुझे ऐसे लगा था एज इफ आई हैव रीच्ड होम, राइट। तो मुझे वो फीलिंग आई थी कि शायद ये जगह है जहाँ मेरा बच्चा ठीक होगा। क्योंकि वो क्यों आई, क्योंकि मैंने इस जगह पे यहाँ के हर एम्प्लॉई को का एक ही फोकस देखा था, पेशेंट केयर। और मुझे एक चीज जो सबसे अच्छी लगी थी, विभू यहीं कहीं बैठी होगी, विभू वॉज 1 year old जब मैं, नॉट इवन 1 year, जब मैं आई थी तो विभू यहाँ घूम रही होती थी और मैं कहती थी कि जो डॉक्टर अपने एम्प्लॉयज के को का इतना ध्यान रखता है वो अपने पेशेंट का तो रखेगा ही रखेगा, क्योंकि आपका एम्प्लॉई आपका पहला कस्टमर होता है। अगर मैं कस्टमर सेलर रिलेशनशिप में भी जाऊं, ट्रेड रिलेशनशिप में भी जाऊं, इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योर कस्टमर एम्प्लॉयज यू विल सर्टनली टेक केयर ऑफ योर पेशेंट्स और योर कस्टमर्स। तो मुझे ये बात से बहुत बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर आया था, मुझे लगा था कि यही वो जगह है जहाँ पे मेरा बच्चा ट्रीट हो सकता है। दैट वॉज माई फेथ, दैट वॉज माई ट्रस्ट इन द प्लेस। और तीसरी चीज एक्सेप्टेंस की तब आती है जब आप डॉक्टर को सरेंडर कर देते हैं। आई थिंक फॉर एक्चुअल एक्सेप्टेंस इज दैट, बाकी सारी चीजें तो हाँ, वो जर्नी है। हाँ तो वो जर्नी है कि होलसम ट्रीटमेंट चाहिए मेरे बच्चे को, मैं नहीं संभाल सकती, और ये जगह मेरे बच्चे के लिए सही है। और तीसरा है कि अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं टोटल सरेंडर कर दूँ, तब आपकी एक्सेप्टेंस होती है। सारी चीजें काट के, यस, न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब ये वन ऑफ द रियलाइजेशन है कि अब मैंने पीछे मुड़ के देखना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, और मैंने देखा भी नहीं। मुझे पीछे खींचने वाले बहुत लोग थे, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं रहते, जो बाहर से आए हैं, उनको सबसे पहला चीज जो आपके रिलेटिव्स आपको बोलेंगे वो यही बोलेंगे, तुम्हें इंडिया का पता नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर्स का रैकेट है, वो सिर्फ पैसा कमाते हैं। मैं बोलती हूँ अगर पैसे देकर भी मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और पैसे देकर ही होना चाहिए, नथिंग कम्स फ्री ऑन दिस अर्थ, मेरा बच्चा पैसे देकर अगर ठीक हो जाता है तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसके साथ साथ मेरी भी ख़राब हो रही है, मेरे दूसरे बच्चे की भी हो रही है, मेरे हस्बैंड की भी हो रही है, ठीक है। कम से कम न्यूक्लियर फैमिली में जो 4 लोग हैं उनकी तो हो ही रही है, बाकी सब तो मैं छोड़ दूँ। तो अगर मुझे वो फील आता है, अगर वो मुझे मिलता है, तो फिर मैंने किसी की नहीं सुननी, फिर मैंने नहीं सुनी किसी की, क्योंकि कोई भी आपको हेल्प करने नहीं आएगा एक्सेप्ट योर डॉक्टर एंड द टीम। कोई भी आएगा वो तो नॉन मेडिकल है ना, वो तो आपको बोलेगा कि इसको, मुझे कई मेरी फैमिली के डॉक्टर्स ने बोला था कि अब इस पर स्ट्रिक्ट हो जाओ, अब इसके लिए ना आप ना इसका खर्चा पानी बंद कर दो, अब आप, मैंने तो खर्चा पानी वो ही दिया है, मैं आज भी वो ही दे रही हूँ, तो ठीक कैसे हुआ मेरा बच्चा, क्योंकि मैंने एक ऐसे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराया जिसे अपना काम आता था, खाली खाली दिमाग से नहीं, दिल से भी, बिकॉज ट्रीटमेंट खाली दिमाग से नहीं होता, दिल से भी होता है। आप खाना बनाते हो, खाली दिमाग से बनाओ तो टेस्टी नहीं बनता। आई एम गिविंग अ वेरी
वेरी जेंडर बायस्ड एग्जाम्पल, लेकिन आप मन से बनाते हो तो टेस्टी बनता है। आप अपने किसी भी काम में जो भी आप काम करते हो वो टेक्निकली करते हो तो वो सही होगा, लेकिन अगर आप मन से करोगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। और वो चीज़ मैंने यहाँ देखी थी कि खाली टेक्निकल नहीं था, उसमें बहुत सारा मन भी इन्वॉल्व था। अच्छा, आप ऐसे जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें बहुत सी गलतियाँ निकलती हैं, ये नहीं की, वी गेट इंटेंगल इनटू नॉन इश्यूज। आए तो ट्रीटमेंट कराने के लिए हैं, लेकिन हमें नॉन इश्यूज इम्पोर्टेंट है, रूम नहीं ठीक, ये नहीं की, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जो हमें लगती हैं गलत हैं, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं है। जब से हम पढ़ना शुरू किए हैं ना बचपन से, तो हमारी टीचर ने हमारी बुक पे रेड मार्क्स ही लगाए हैं ना, हमारा फोकस रेड मार्क्स पे जाता है, मेरी कौन सी गलतियां हैं, टीचर का भी उस पे जाता है कौन सी। टीचर ने कभी नहीं कहा बच्चे आपके 90 ठीक है 10 रॉन्ग है, टीचर ने आपको बुला के कहा है बेटा आपके 10 रॉन्ग है। तो हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि हमें गलत ही नज़र आता है। तो मुझे भी आए, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आए, लेकिन मैंने यहाँ रह के समथिंग वी कॉल रीसेट माइंड, मैंने अपने माइंड को रीसेट किया था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे का ठीक होना है, मेरे लिए ये नहीं इम्पोर्टेंट है। मैं आज भी सुबह किसी पेशेंट की फैमिली से बात कर रही थी कि हम जहाँ से आए थे वहाँ बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्लेस बीइंग दैट प्लेस एक सर्टन लेवल ऑफ क्लेनलीनेस था, क्योंकि वहाँ गंदगी होती ही नहीं है, है ना। यहाँ तो बहुत फुटफॉल कितनी है, इतना पोल्यूशन है, तो आपको वो लेवल ऑफ स्पार्कलिंग क्लीन तो नहीं मिलेगा ना जगह, लेकिन मैं समझती हूँ वो मेरे लिए नॉन इशू था। मैंने नहीं फोकस किया। मुझे आज भी याद है तब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग मील प्लान भी जो करते हैं ना, वो डोपामीन, जैसे मॉर्निंग में हाई चाहिए तो परांठे देते हैं, शाम को आते आते तक लो चाहिए तभी हम दाल रोटी देते हैं, बिकॉज हमें रात को डोपामीन नहीं चाहिए पेशेंट की, क्योंकि उसको प्रॉपर स्लीप चाहिए। मेरे घर में रात को तो फैंसी खाना बनता था, मेरे बच्चे को तो आदत ही नहीं थी कि वो दाल रोटी खाए, लेकिन मैं उसको इशू बना सकती थी कि नहीं सर हम तो, पर मैंने उसको इशू नहीं बनाया क्योंकि वो मुझे इम्पोर्टेंट लगा ही नहीं। मुझे लगा बाकी सब खा रहे हैं तो मेरा बच्चा भी खाएगा। मुझे एक पिछले दिनों में आई थी तो एक पेरेंट ने मुझे बोला था कि हमने तो अपने बच्चे को बहुत नाजों से पाला है, हर माँ बाप अपने बच्चे को नाजों से पालता है ना। अगर डॉक्टर साहब आपके बच्चे को रात को दाल रोटी तो कर रहे हैं तो ये उनका लेवल ऑफ नाजों से पालना है, क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट को क्या चाहिए। तो ये दिस लेवल ऑफ ट्रस्ट इज नीडेड। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाओगे तो आप अपने बच्चे को कभी भी ठीक नहीं देख सकते, है ना। So what do you think, what did you learn as a family? कि एक केयर गिवर के नाते, एक फैमिली के नाते, यू सेड ना एक्सेप्टेंस इज फॉर मी ऑल्सो एक्सेप्टेंस अल्टीमेटली, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के एक्सेप्टेंस मीन्स मान लिया बीमारी है तो ट्रीटमेंट फॉलो करो, मतलब पीरियड, फुल स्टॉप। सो ट्रीटमेंट इज डॉक्टर प्रोफेशनल्स, फिर वो किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। सो आपने एज फैमिली क्या लर्न किया एंड वॉट कैन यू कन्वे टू एवरीबडी सिटिंग हियर, वॉट वर्क फॉर यू कि आज आप रिकवरी हो? एज अ फैमिली वो ट्रस्ट सरेंडर तो था ही था। एक और चीज़ जो हमने बहुत क्लियरली एज अ फैमिली आइडेंटिफाई करी थी कि हम, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम एक टीम की तरह काम करेंगे, उसमें आई विल बी लीडिंग द टीम क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ थी एंड दे विल अग्री विद मी, है ना। ये कोई मेरे हस्बैंड की हैंडपैक्ड होने का प्रमाण नहीं था, कोई ईगो गेम नहीं थी उनकी, उनका बहुत क्लियर था और ये हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था कि तुम
मैं हमेशा बोलती थी मैं जवान हूँ जो फ्रंट पे लड़ रहा हूँ, तो वो बोलते थे कि तुम फ्रंट पे हो तो यू विल डिसाइड, तुम बोलोगे तो हम वो एक्शन लेंगे, तुम नहीं बोलोगे नहीं लेना तो हम वो एक्शन नहीं लेंगे, और मेरे सारे एक्शंस डिपेंडेंट होते थे डॉक्टर साहब के साथ। सो ये एक हमारा था कि हम अगर आपने अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कराना है, नंबर वन आपकी जितनी फैमिली में लोग डिसीशन मेकर्स हैं, ठीक है, कई फैमिली में डिसीशन मेकिंग ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं या कोई अंकल इन्वॉल्व होते हैं, कोई आंट इन्वॉल्व होती है, तो वो सब एक ही टीम में चलें और एक लीडर हो, क्योंकि अगर आप सब कहेंगे मैं लीडर हूँ तो द ट्रीटमेंट विल नॉट वर्क। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीम बन के रहो और एक लीडर होना चाहिए आपकी टीम में, तो ये हमने फॉलो किया था और डॉक्टर साहब के हिसाब से हम चले थे। और दूसरी चीज़ जो मैंने अपने आप सोची थी विच वर्कड फॉर मी, कि ट्रीटमेंट उतना लंबा चलेगा जितना डॉक्टर साहब कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगी तब जब डॉक्टर साहब के कहने के बाद मेरा बच्चा कहेगा ये जगह मुझे अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब कह भी देते थे कि आप चले जाओ, तो मेरे मन में आता था अभी तक अनिरुद्ध को ये जगह अच्छी नहीं लगी है, अनिरुद्ध को ये जगह अभी अच्छी नहीं लगी है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। जिस दिन वो बोलेगा कि मुझे ये जगह अच्छी लगती है, मम्मा आई वॉन्ट टू कम टू दिस प्लेस, मैं उस दिन लेकर जाऊँगी। और कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता, बट हुआ। एक ना जर्नी है फ्रॉम, मतलब जो मेरी रिसेंट रियलाइजेशन जो चल रही है कि एडिक्शन इज ऑल बीइंग फीलिंग सेलिब्रिटी। आप अपने आप को ना बहुत खास समझते हो तो ये एडिक्शन है। अमन की भी आपने शेयरिंग सुनी ना, तो अमन की शेयरिंग ने अमन ने बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमन ब्रदर एंड अमन यूनिकनेस। तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी कि जेनेटिक कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग या जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है, उनको जो नॉर्मल लाइफ है ना वो अच्छी नहीं लगती, उनको बहुत ही सेलिब्रिटी लाइफ अच्छी लगती है। तो ये रिकवरी प्रोग्राम जो है ना वो खास से आम बनने का एक प्रोग्राम है। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं ना, तो अपने आप को काफ़ी खास समझते हैं, तो उनका मतलब ठीक है, मैं नहीं ये कहता गलत है, लेकिन वहाँ से जर्नी शुरू होती है जब खास से आम बनते हो, तो आप अपनी वो आहिस्ता आहिस्ता से वो सारी चीज़ें छोड़ते हो, जब ईगो छोड़ते हो, गुस्सा छोड़ते हो, कंट्रोलिंग छोड़ते हो, आपको प्रोटेक्शन, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें रीइंश्योरेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके छोड़नी पड़ती हैं। अब ये जितनी चीज़ें आपसे दूर जाती हैं ना, तो आप उतना ही आप स्कूल में जाते हो, सेटल होते जाते हो। तो आपकी इस जर्नी में क्या था, खास मदर से आम मदर बनना, व्हाट वाज दैट स्पेशल? आई थिंक हमारे एडिक्शन के जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो हमें आम से भी नीचे गिरा देते हैं। तो एज अ फैमिली आपका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है। तो आई थिंक जो मैंने यहाँ सीखा वो ये था कि सेल्फ केयर तो करो, अपना ध्यान रखो, अपने पे फोकस करो, दुनिया के लिए सेलिब्रिटी नहीं, अपने लिए आप इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, सेलिब्रिटी नहीं इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। इनफैक्ट जब मैं अमन की बात सुन रही थी तो मुझे एग्जैक्टली ऐसे लग रहा था कि अनी की स्टोरी चल रही है, क्योंकि कपड़े खरीदने हैं तो 10 जैकेट खरीद लेनी है, लेकिन अब या बाहर जाना है तो हम मजाक करते होते थे अनिरुद्ध से कि तुम जब ऑर्डर देते हो होटल रेस्टोरेंट में जाके तो राइट साइड भी देख लिया करो, है ना, लेफ्ट पे डिश लिखी होती है, राइट पे प्राइस लिखी होती है, कि भाई तुम कभी नज़र राइट पे भी मार लिया करो। और ये आप हर कोई इससे रिलेट कर सकता है कि आपका जो पेशेंट है जब वो कहीं जाता है ना, तो वो ना तो टैग देखता है ना राइट साइड ऑफ द मेन्यू देखता है। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ नहीं है, वो
कूपन्स टाइप उस रैक और काउंटर पे है, मतलब जो जो रेस्टोरेंट में सबसे एक्सपेंसिव डिश होती है आपके पेशेंट को वही चाहिए होती है, ठीक है। और ये जानते हुए कि इसको कोई शेयर करने वाला नहीं है मेरे साथ, ये जो मैं खाऊंगा खाऊंगा बाकी वेस्ट होगी, तब भी आपके पेशेंट को वही डिश चाहिए। जैकेट आपके पास एक है, दो है, पांच है, आपको आठवीं भी चाहिए, आपको नौवीं भी चाहिए, आपको दसवीं भी चाहिए। अभी मेरा बेटा लिवरपूल में बैठा है तो बोला मम्मी हमने जब टेम्परेचर देखा था तो वो तो ज़्यादा दिखा रहा था, या तो ठंड है, मैं यहाँ से जैकेट खरीद लूँ एक। मैंने बोला तेरे पास 10 जैकेट ऑलरेडी हैं। कहते मम्मी इतनी महंगी नहीं आएगी। मैंने कहा मैं कुरियर कर दूंगी, जैकेट नहीं खरीद रही। तो चाहे 50% कॉस्ट में मेरी कुरियर हुई, लेकिन एक मैसेज मिलता है कि यू हैव टू पुट अ स्टॉप, तुम्हें ठंड लग रही है तो तुमको तुम्हारा सामान मिल जाएगा, लेकिन और खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक नीड, और जैसे अमन कह रहे हैं ना, उनके भाई में और अमन में, मेरी बेटी में और मेरे बेटे में एग्जैक्ट स्टार्क डिफरेंस है। वो सोचती है कि मुझे ज़रूरत है या मेरी चाहत है, तो वो ज़रूरत पे वो लेती है जिसकी ज़रूरत हो। अनी बोलता है ज़रूरत तो किसी चीज़ की भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन माई चाहत, है ना। तो ये एक बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो अमन ने बताया, एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। ये बातें आपको, आप रिलेट कर लोगे, एवरीबडी कैन रिलेट टू दिस।